नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में नया संकट पैदा हो गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। क्या खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में फिर सक्रिय हुआ कोरोना वायरस, IGMC शिमला में 2 संक्रमितों की मौत। हिमाचल में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के कारण IGMC अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई। IGMC के MS राहुल राव ने कोरोना से हुई मौतों की पुष्टि की है। वहीं आज सुबह जहां 68 वर्षीय नर्सिंग को COVID-19 के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो दोपहर बाद करसो के देव बहादुर 69 वर्षीय की भी कोरोना के चलते मौत हो गई। देव बहादुर करसो के थाच का रहने वाला था, जो अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हुआ था, जबकि नर्सिंग आनी के कमांड का रहने वाला था, जो 28 सितंबर को अस्पताल में भर्ती हुआ था। 10 अक्टूबर को व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इसका उपचार अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था। बता दें कि आज सुबह करीब 2:15 बजे नर्सिंग ने बीमारी के चलते दम तोड़ा है। कोरोना वायरस के आने और उपचाराधीन व्यक्तियों की मौत होने से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। बता दें कि प्रदेश में अब तक कुल 51,91,907 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। अभी तक कोरोना से 4,214 लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्रमुख रूप से यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना वायरस से 2 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम, दुआ तवीजों द्वारा किया कराया, घर में खून के छींटे आना, चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।